डॉक्टर अरुण कुमार। प्लाज्मा डोनेशन की परेशानियां। भारतीय मिथकों में जाएं तो वहां महर्षि दधीचि ने दानवों से संघर्ष में देवताओं को शक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से शरीर को गलाकर वज्र बनाने के लिए अपनी हड्डियां दान दे दी थी। महामारी काल में दिल्ली सरकार ने देश का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित कर कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों से अपील की है कि वे अपना प्लाज्मा दान कर इसके मरीजों की जान बचाने में योगदान दें। खून की तरह प्लाज्मा की पूर्ति भी शीघ्र ही हो जाती है, लेकिन रक्तदान, नेत्रदान और अस्थिदान जैसे असंख्य आह्वानों का नतीजा देखें तो दान में मिले रक्त की बर्बादी से लेकर खून और अंगदान के गिरोहों पर नजर दौड़ाएं तो कहीं से नहीं लगता कि प्लाज्मा डोनेशन की सरकारी अपीलें रंग लाएंगी। सरकारी दान खातों में लोग पैसे से लेकर अपना खून या प्लाज्मा देने की अपीलों पर इसलिए ध्यान नहीं देते क्योंकि उनसे हमारा परलोक सुधारने वाली आस्था का मकसद हल होते नहीं दिखता। दूसरे, अपारदर्शिता और रख रखाव की ढीली व्यवस्था के चलते सरकारी दान खातों की घपलेबाजियां देखकर लोगों का इससे मोह भंग ही हो चुका है। 3 साल पहले चेतन कोठारी नामक शख्स की RTI के जवाब में नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन NACO की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर 2017 में तैयार एक रिपोर्ट बताती थी कि पूरे देश के ब्लड बैंकों ने पिछले 5 सालों में जमा हुए इंसानी खून और उसके जरूरी अवयवों की 28 लाख यूनिटें रख रखाव संबंधी लापरवाही के कारण बर्बाद कर दी थी। इस बर्बादी को न केवल खून बल्कि रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा भी शामिल था। इसी RTI पर NACO के अन्य जवाब में यह पता चला था उस दौरान 17 महीनों में ही देश के अलग अलग राज्यों में 2,234 लोग खून चढ़ाए जाने के बाद HIV संक्रमण की गिरफ्त में आ गए थे, जिनमें वैसे सर्वाधिक मामले उत्तर प्रदेश के थे। अस्थिदान में फर्जीवाड़े कम हैं, पर धार्मिक आस्थाओं में बंधा समाज इससे बाहर नहीं आ पाता कि अगर उनके प्रियजने के शव की हड्डियां ले ली गई तो अगले जन्म में उसे उन अस्थियों का अभाव यानी विकलांगता झेलनी पड़ सकती है। नतीजा यह है कि 1999 में एम्स में जिस बोन बैंक की शुरुआत की गई थी उसे 2017 तक सिर्फ 24 मानव देहें दान में मिल सकी थी। फर्जीवाड़ा एक बड़ी समस्या है जो ब्लड प्लाज्मा डोनेशन आदि के रास्ते में बड़ी मुश्किल पैदा करता है। इधर देश की राजधानी से ही खबरें मिली है कि कोरोना से बचाव की एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर की एक शीशे के लिए तीमारदारों से 30,000 रुपये या उससे भी ज्यादा वसूले जा रहे हैं, जबकि कीमत 5,400 रुपये है। क्या गारंटी है कि प्लाज्मा को एक सटीक इलाज मान लेने पर इसकी भी काली बाजारी नहीं बढ़ेगी? पड़ोसी देश पाकिस्तान में यह शुरू हो चुका है। वहां कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों को प्लाज्मा के बदले 3 लाख रुपए तक मिलने का बाजार काफी आकर्षक लग रहा है। सवाल है कि सरकार क्या करे। अच्छी बात है कि दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के मरीजों को प्लाज्मा मुहैया कराने में मदद के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस अस्पताल में इसका बैंक स्थापित कर दिया है। खुशी की बात है कि भाजपा नेता सांबित पात्रा ने कोरोना की चपेट में आने पर स्वस्थ होने के बाद गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल में अपना प्लाज्मा दान दिया। पर ये उपाय और नजीरें तभी कारगर हैं जब मौजूदा हालात को देखते हुए मामले को दान की स्वस्थ परंपरा के हवाले ना किया जाए। उसका उपाय है कि सरकार कोविड अस्पतालों में सिर्फ बेड्स की व्यवस्था के पार जाकर वाजिब कीमत पर हरेक मरीजों के अच्छे इलाज की व्यवस्था करे। अगर किसी भी तीमारदार को रेमडेसिविर लाने के लिए अस्पताल से बाहर भेजा जाता है तो इसे उस अस्पताल के आपराधिक कृत्य में शामिल किया जाना चाहिए। इस अच्छे इलाज की कीमत ठीक हो चुके उन मरीजों से जरूर ली जाए जो प्लाज्मा दान करने की सभी शर्तें पूरी करते हैं। आपातकालीन स्थितियों में लोगों को कोरोना योद्धा बनने का काम स्वेच्छा, सदिच्छा आदि से जुड़ी अपीलों पर नहीं छोड़ा जा सकता। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। कैसे खतरनाक
हो सकता है सैनिटाइजर। जानिए कब, कितनी बार और कितनी मात्रा में करें इस्तेमाल। देश दुनिया में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। इस वायरस से बचने का एक ही तरीका है, साफ सफाई। सैनिटाइजर के इस्तेमाल से आसानी से हाथों को साफ किया जा सकता है। अभी तक कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही थी, पर आज आपको बताते हैं कि सैनिटाइजर का अधिक इस्तेमाल खतरनाक भी हो सकता है। सैनिटाइजर का अधिक इस्तेमाल सेहत के लिए ठीक नहीं है। आइए आज जानते हैं सैनिटाइजर से अधिक इस्तेमाल से क्या नुकसान हो सकता है और इसका कितनी बार और कितनी मात्रा में यूज किया जा सकता है। अच्छे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। शरीर में अच्छे और बुरे दोनों तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। सैनिटाइजर के अधिक इस्तेमाल से बुरे बैक्टीरिया के साथ साथ अच्छे बैक्टीरिया भी समाप्त हो जाते हैं। इन अच्छे बैक्टीरिया का हमारे शरीर में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अगर जरूरी हो तभी हमें सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। किन परिस्थितियों में सैनिटाइजर का उपयोग नहीं करना चाहिए? अगर आपके पास साबुन से हाथ धोने की विकल्प हो, एक रिपोर्ट के मुताबिक यह दावा किया गया है कि साबुन से हाथ धोना ज्यादा बेहतर हो विकल्प हो सकता है। कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए 20 सेकंड तक साबुन और पानी से हाथ धोने चाहिए। अगर जरूरी हो तो ही सैनिटाइजर का प्रयोग करें। गंदे हाथों का को साफ नहीं करता सैनिटाइजर। सैनिटाइजर गंदे हाथों को सही तरीके से साफ नहीं कर पाता है। उदाहरण के लिए आपको बताते हैं कि अगर आपके हाथों में कीचड़ या मिट्टी लगी है और आप उस समय सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे तो इसे हाथ साफ नहीं होंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार सैनिटाइजर मिट्टी लगे हुए हाथों के कीटाणुओं को मारने में सक्षम नहीं है, इसीलिए हाथों को पानी और साबुन से धोना ही बेहतर है। खेतों में काम करने के बाद या कहीं बाहर से आने के बाद साबुन और पानी से हाथ धोएं। कोई बार बार छींक रहा है तो ना करें सैनिटाइजर का प्रयोग। अगर आपके पास में बैठा हुआ व्यक्ति बार बार छींक रहा है तो आपको हर बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में इन्फेक्शन होने का खतरा सांस लेते समय हवा की बूंदों से रहता है। बेहतर है उस व्यक्ति से दूरी बनाई जाए। ऐसे समय में सैनिटाइजर अधिक इस्तेमाल से बचे। हैंड सैनिटाइजर के अधिक प्रयोग से बैक्टीरिया समय के साथ प्रतिरोधी हो जाते हैं। बहुत से लोगों को बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की आदत हो गई है। एक शोध के अनुसार बताया गया है कि बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने से या हैंड सैनिटाइजर के अधिक उपयोग से बैक्टीरिया समय के साथ प्रतिरोधी हो जाते हैं। हम जितना ज्यादा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं उतने ही कीटाणु अल्कोहल के प्रति सहनशील हो जाते हैं। इसीलिए इसका इस्तेमाल तभी करें जब आपके पास साबुन और पानी से हाथ धोने का विकल्प ना हो। अगर आपको भी बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की आदत हो गई है तो इस आदत को तुरंत बदलें। अधिक इस्तेमाल से त्वचा पर पड़ता है असर। सैनिटाइजर के अधिक इस्तेमाल से
हाथों की त्वचा रुखी होने लगती है। बेहतर यही है कि इसका इस्तेमाल सही तरीके से और जरूरत पड़ने पर ही किया जाए। सैनिटाइजर को इस्तेमाल करने का सही तरीका, आज हम आपको बताते हैं कि सैनिटाइजर का उपयोग कैसे किया जाए। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सैनिटाइजर लगाने के बाद हाथों को 20 सेकंड तक रगड़ना चाहिए। हाथों को तब तक रगड़े जब तक आपके हाथ सूख ना जाए। हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल से कई तरह के इन्फेक्शन से बचा जा सकता है, परंतु इसका अधिक इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर होगा। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।